सो गाइज, रिसेंटली मुंजिया की सक्सेस ने मैडॉक फिल्म्स को, दिनेश विजन को और उनके जितने भी डायरेक्टर हैं, क्रू मेंबर्स हैं, कास्ट है, उनको एक बड़ा मोटिवेशन दिया है कि दे आर ऑन द राइट पाथ. जी हाँ, मैंने रिसेंटली मुंजिया देखी है एंड आई लव्ड दैट फिल्म. जिस तरीके से इस फिल्म को एग्जीक्यूट किया गया है, हमारे फोकलोर को जो हमारी कहानियों में हम लोग सुनते हैं, हम अपनी दादियों से, नानियों से, अपनी माओ से, यू नो, बचपन में जो हमें कहानी सुनाई जाती थी, बहुत ज्यादा अर्बन लेजेंड कैरेक्टर्स थे. और बचपन में अगर हम खाना सही टाइम पे खाना नहीं खाते हो, अगर सोते नहीं थे टाइम पे, तो हमें ये कहानी सुना के हमें डराया जाता था. तो इन्हीं कहानियों को यूटिलाइज किया गया है. द वे अमेरिकन्स हैड बीन वाइडली यूजिंग वेयरवुल्व्स, वैम्पायर्स, बहुत सारी चीजों को उन्होंने अपनी फिल्म में दिखाया है, कल्चर बनाया है, पॉप कल्चर, विच हैज बीन वेरी मच सक्सेसफुल. जी हाँ, मैडॉक फिल्म्स उसी रास्ते पे चल रही है. दे हैव बीन एक्सट्रीमली सक्सेसफुल इन डूइंग सो. और इसी तरह आगे बढ़ते बढ़ते वो अभी स्टेप अप कर रहे हैं फॉर द ऑफिशियल टीजर फॉर स्त्री 2. यस गाइस, सो इसका बहुत दिनों से इंतजार था. एंड ये फिल्म, इसकी जो पिछली जो फिल्म थी उससे अच्छी रिस्पांस मिली थी. मैं कह सकता हूँ कि सुपर डुपर हिट फिल्म थी. मीडिया में भी उनका एक लिंक दिखाया गया है. तो यहाँ से ही इस फिल्म की जो, इस फिल्म से इसका जो यूनिवर्स है, यहाँ से शुरुआत हुई थी. सो इसका टीजर आ गया है गाइस. मुंजिया के साथ ही इसका टीजर थिएटरों में दिखाया गया था, पर अब जाके डिजिटली आ गया है. तो विदाउट वेस्टिंग एनी मोमेंट, लेट्स रिएक्ट ऑन द टीजर ऑफ स्त्री 2. पर अगर आप हमारे चैनल पे नए आए हैं, वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और YouTube नोटिफिकेशन बेल को ऑल पे सेट कीजिए, ताकि हमारे चैनल से जो भी वीडियो अपलोड हो उसका नोटिफिकेशन आपके पास जल्द से जल्द पहुंचे. Absolutely. So without wasting any time, let's react. The famous town called Chandivi. स्त्री रक्षा करना. जी तो आ गई सच में. हमने आपकी चोटी काट दी थी, गरम तेल की मसाज करेंगे ना तो फिर से आ जाएगी वापस. जी हम पलट रहे हैं, हमारे कपड़े मत निकालना प्लीज फ्रेंड्स. वाओ, अमर कौशिक. सो गाइस, वी रिएक्टेड ऑन द ऑफिशियल टीजर फॉर स्त्री 2. कास्ट एंड क्रू बहुत बढ़िया लग रही है. मुझे थोड़ा बहुत, मुझे पंकज त्रिपाठी सर बहुत ज्यादा पॉलिश्ड लगे, क्लीन लगे, द वे ही वाज. वो पिछली फिल्म में स्त्री में उनका कैरेक्टर, उनको थोड़ा सा मतलब उनमें मैसी था. मतलब उनको लगा कि यार वो एक यू नो प्रोफेसर काइंड ऑफ है, वो गांव में ऐसे ये सब चीजों को वो डील कर चुके हैं, एक मास्टर है, यू नो उन्हीं के पास हल है, गुरुजी टाइप ऑफ है. यहाँ पे उनकी यू नो दाढ़ी बहुत शार्प कट दिखाई दी, अच्छे से कंघी करके, लाइक व्हाई डू यू वांट टू डू दिस. और ऊपर से मुझे एक और चीज का मुझे थोड़ा सा कंसर्न है कि पंकज सर बहुत एक्सट्रीमली टाइपकास्ट हो चुके हैं, उनका सिमिलर एक्टिंग करना. एक जरा सा सोचिए कि थिंक अबाउट दैट पंकज त्रिपाठी विच यू सॉ इन अग्निपथ. यस, अग्निपथ जो रिसेंटली, जो नई जो अग्निपथ है जो रिलीज हुई थी, उसमें पंकज त्रिपाठी का रोल देखिए. और रिसेंटली जितनी भी फिल्में हुई है, उनका टोन, उनका बॉडी लैंग्वेज ऑलमोस्ट सिमिलर रहा है. यस, और ये हो रहा है. ये रिदाने से ही बताया कि टाइप कास्ट किया जा रहा है उन्हें, पर अभी भी वक्त है. अगर वो कुछ और रोल करें तो अच्छा रहेगा, क्योंकि ऐसा नहीं है कि वो ट्राई नहीं कर रहे हैं. बहुत सारी फिल्में उन्होंने की है. रिसेंट टाइम में उन्होंने एक फिल्म की जिसका मुझे नाम याद नहीं आ रहा है, कि उसमें एक पेशेंट थे वो, कड़क सिंह, वो काफी अच्छी थी. तो वो मुझे काफी अच्छा, थोड़ा अलग लगा था. तो देखते हैं गाइस के पंकज त्रिपाठी आजकल क्या नया कर रहे हैं. पर इस फिल्म में देखना बनता है कि उनका रोल जो यहाँ पे कैरी फॉरवर्ड होता है किस तरह से. एंड पूरी तरह से अगर इस टीजर के बारे में बात करें, तो टीजर था तो टीजर को टीजर की तरह ही एडिट किया गया है. बहुत सारी चीजें यहाँ पे हो रही है. एंड स्पेशली ये जो बात कर रहे हैं कि वो वापस आ गई है, मुझे लगता है कि यहाँ पे श्रद्धा कपूर के बारे में बात हो रही है. यहाँ पे जो बातें हो रही है कि कोई वापस आ गया है, इट्स नॉट श्रद्धा कपूर, बट मुझे लगता है कि स्त्री वापस आ गई है. आई एम श्योर यहाँ पे कुछ गड़बड़ हुई होगी और उन्हें ऐसा लगता था गांव वालों की स्त्री और नहीं आने वाली है, बट देर हैड बीन समथिंग रॉन्ग आई गेस. और फिर से वो वापस आ गई है और कोई टोटका इनको निकालना है उसको फिर से, यू नो, इस चीज को रोकने के लिए. और पूरे गांव के जितने भी मर्द हैं, हमें दिखे हैं कि वो एकजुट हो गए हैं, दे आर फाइटिंग अगेंस्ट दिस.
और सेम ओल्ड यहाँ पे डांस नंबर है, लेकिन मुझे स्त्री इतना इंटरेस्टिंग क्यों लगा कि इट हैज ब्रॉट अ फ्रेश एयर यू नो ऑफ एक्सपीरियंस ऑफ अ हॉरर कॉमेडी फिल्म. तो ये एक मिनट का टीजर था गाइस. टीजर देख के तो ज्यादा कुछ बातें हम नहीं कर सकते, पर हाँ एंटिसिपेशन बहुत ज्यादा है एंड जिस तरह से इसकी जो फ्रेंचाइजी है जिस तरह से काम कर रही है के सक्सेस के बाद बहुत ज्यादा लोगों को यहाँ पे क्या कह सकते हैं कि एक्सपेक्टेशंस बढ़ गई है. और एक चीज है, आप देखिए कि बहुत फॉर्मूला, इनका जो फॉर्मूला है ना बहुत बढ़िया काम कर चुका है. Yes. और दिस इज द बेस्ट थिंग विच आई थिंक द एंटायर बॉलीवुड इंडस्ट्री और द एंटायर फिल्म इंडस्ट्री ऑफ इंडिया शुड फॉलो. Yes. ये है कि यू नो लेस इन्वेस्टमेंट ऑन स्टार्स रादर स्पेंडिंग टाइम कॉन्टेंट मोर टाइम ऑन कॉन्टेंट स्टोरी. और आप देखिए कि मुंजिया के बारे में अगर जरा सा बात करें तो उसमें कौन सा ऐसा स्टार है आपको लगता है कि जो ए लिस्ट एक्टर है? Yes, तो कोई भी नहीं था एंड हैज बीन वन ऑफ द सक्सेसफुल फिल्म. स्त्री के साथ भी यही कह सकते हैं कि जब स्त्री निकली थी तब राजकुमार राव थे, फिर उसमें अपार शक्ति खुराना, कॉल देम ए लिस्टर्स, अभिषेक बैनर्जी, तो ये ऐसे एक्टर्स थे जो अंडररेटेड थे जो यहाँ से उन्हें और भी ज्यादा सक्सेस मिली. एब्सोल्यूट. तो आप समझ सकते हो कि यहाँ पे बहुत ऐसे एक्टर्स हैं जो बहुत ही हाईली पोटेंशियल है उनके क्राफ्ट में, तो आपको उन्हें लेना चाहिए ना कि बड़े स्टार. और ये प्रूव भी हो चुका है रिसेंटली इफ यू टॉक अबाउट द प्रोडक्शन हाउस पूजा एंटरटेनमेंट. पता नहीं वो रूमर है या नहीं क्योंकि वासु भगनानी सर ने खुद ही उस चीज को मना किया है, लेकिन ऐसा कहा जा रहा है कि कॉन्स्टेंट 17 फ्लॉप्स देने के बाद पूजा एंटरटेनमेंट इज प्लानिंग टू सेल देयर ऑफिस फॉर 250 करोड़ ऑफ लॉसेस. यस, रिसेंटली दो तीन जो फिल्म निकली उसमें तो भारी नुकसान हो गया. अगर हम उस फिल्मों को गिने तो ये तीन फिल्में अक्षय कुमार की स्टारर थी. तो पहली जो कोविड के वक्त निकली एक फिल्म थी बेल बॉटम, उसके बाद आपने हमें ये पता चला कि बड़े मियां छोटे मियां, फिर गणपत जो और एक फिल्म थी जो टाइगर श्रॉफ की थी, डिजास्टर, दोनों ही डिजास्टर थी. तो आप समझ सकते हो कि आप प्रोडक्शन कंपनीज अब उस तरह के इन्वेस्टमेंट वो नहीं करना चाहती ए लिस्टर्स पे या फिर किसी भी फिल्म में, क्योंकि बजट जितना हो रहा है वहां पे उतनी आउटकम नहीं आ रही है वहां पे उतनी, और या फिर जानबूझ के किसी जगहों पे इसको ओवर बजट किया जा रहा है यू नो बाय टेकिंग दोज एक्टर्स जो रिटर्न में उतना नहीं दे पा रहे हो लेकिन उनके चार्जेस बखूबी वो अपने टाइम पे सही अमाउंट ले रहे हैं. यस, सो दिस इज द करंट सिनेरियो इन द प्रोडक्शन सिचुएशन. फिल्मों की बजट फिल्म मेकिंग इस तरह से होनी चाहिए जो यहाँ पे की जा रही है. स्त्री के बारे में बात करें या फिर और भी मुंजिया के बारे में बात करें या फिर और भी कई सारी फिल्में हैं जिस तरह से बन रही है और वहाँ पे उसके जो बॉक्स ऑफिस नंबर्स है वो काफी अच्छे हैं. तो हमारा एक्सपेक्टेशन यही है गाइस कि स्त्री 2 भी उसी तरह से हिट रहे, उसी तरह से बॉक्स ऑफिस पे अच्छी काम कर पाए, अच्छी नंबर्स ले पाए जो स्त्री ने कर दिखाया था. और डिमांड में भी है इसका जो ट्रेंड है जो आजकल चल रहा है, पैरानॉर्मल कहिए या फिर फिक्शन कहिए जो भी कहिए. सो ये हमारी तरफ से तो गाइस बहुत ही अच्छा रिस्पॉन्स है, पॉजिटिव रिस्पॉन्स है इस फिल्म के बारे में. और यहाँ पे हमने थोड़ा सा यहाँ पे तमन्ना भाटिया को भी देखा यहाँ पे. मुझे लगता है कि ये यहाँ पे गाने में है या फिर उनका कुछ रोल है यहाँ पे या फिर नागिन अगर तमन्ना भाटिया ही अगर कर रही होंगी वो रोल तो मुझे पता नहीं लेकिन पॉसिबिलिटी है. यस गाइस, तो यही था हमारा रिएक्शन ऑन द ऑफिशियल टीजर ऑफ स्त्री 2. आपकी क्या राय है इस टीजर के बारे में, हमारे रिएक्शन के बारे में, वो आप कमेंट सेक्शन में जरूर जाके बताइए. इस वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और यूट्यूब नोटिफिकेशन बेल को ऑल पे सेलेक्ट कीजिए ताकि हमारे चैनल से जो भी वीडियो अपलोड हो उसका नोटिफिकेशन आपके पास जल्द से जल्द पहुंचे. और सोशल मीडिया के लिंक्स गाइस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे और वहां पे जाके हमें डायरेक्टली फॉलो कर सकते हो. ट्विटर हो गए, इंस्टाग्राम, फेसबुक, व्हाट्सएप, everything. So अगले वीडियो का इंतजार कीजिए. Until then the reaction says जय हिंद.